वेलकम टू जंजानी टीवी। फरवरी के महीने का आगाज़ हो चुका है और माह फरवरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महीना इस लिहाज से कि इस महीने में शर्फ़ जोहरा होने जा रहा है। और शर्फ़ जोहरा की जब हम लोग बात करें तो वीनस जो कि एक मोहब्बत का सितारा है, रोमानवी ज़िंदगी का, मियां बीवी की मोहब्बत का, अजदवाजी सुख का, इवन नाराज दोस्त अहबाब बहन भाई और वो ज़िंदगी में तमाम लोग जो किसी ना किसी तौर के ऊपर मसाइल परेशानियों में उलझाओं का शिकार हैं, या आप लोगों की कोई ऐसी जॉब है, ऐसी मुलाजमत है, या आप लोगों का कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोगों को दूसरों को कन्विंस करना पड़ता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी अंदाज़े गुफ्तगू से मुतासर रहें और किसी ना किसी तौर के ऊपर आप अपनी बात उनके दिल तक पहुंचा सकें, तो ये वो वक्त है शर्फ़ जोहरा का जिसमें कोई भी दुआएं की जा सकती हैं, मुख्तलिफ अमाल किए जा सकते हैं कुरानी लिहाज से, और इवन कुरान पाक की जो मोहब्बत की आयात हैं उनका नक्श बना के भी अपने पास रखा जा सकता है और बापरहेज़ तरीके से इसको आप अपने पास रख सकते हैं। ऐसे तमाम बहन भाई जो कि जानना चाहते हैं कि आप शर्फ़ जोहरा के औकात में या इवन फरवरी के महीने में कौन से ऐसे टाइमिंग्स आगे चल के आने जा रहे हैं जिनमें आप मोहब्बत के अमाल कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, वज़ाइफ कर सकते हैं, स्पेशली हमारी वो तमाम बहनें जो कि रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, तो आप शादी के हवाले से अपने नेक वसाइल किस तरह मुहैया कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे टेक्स्ट मैसेज करके या कॉल करके। इसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हमारा फरवरी के तमाम महीने में लाइव प्रोग्राम होगा पीर से लेके जुमे तक, और इंशाल्लाह हफ्ते में 5 दिन हम लोग ये लाइव प्रोग्राम करेंगे रात ठीक 8 से 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए आप जब मैं लाइव आ जाऊंगा YouTube इसी चैनल के ऊपर तो आप मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर भी मुझे कॉल कर सकते हैं, और जो आप YouTube की साइट पर चैट चल रही होती है उसमें भी अपनी डिटेल्स सेंड करके मुझसे कोई सा एक सवाल फ्री जान सकते हैं। इसके अलावा मार्च के महीने में मैं कराची में मौजूद रहूंगा 1 मार्च से लेके 6 मार्च तक। ऐसे तमाम अफराद जो कि कराची में मुकीम हैं या आप कराची के इर्द गिर्द के शहरों में मुकीम हैं तो आप टाइम लेके मुझे कराची मिल सकेंगे। तो आइए बढ़िए आज के दिन के हालात की जानें। 8 फरवरी बरोज़ हफ्ता, आज का जो दिन है, आज का दिन इस्लामी लिहाज से जो हम लोग वाकया देखें तो आज के दिन शहादत है उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम जो कि वालदा हैं हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की, जो कि शहदाए करबला भी है। तो इस हवाले से आज का दिन अगर हम लोग बाय एस्ट्रोलॉजी के लिए आप लोगों के ज़ोडिक साइंस देखना स्टार्ट करें तो एरीज़ वालों का जो आज का दिन है कुछ मामलात में बेचैनी की कैफियत रहती हुई नज़र आती है, बिला वजह की रुकावटें या बिला वजह की सेंसिटिविटी आपकी तबीयत में शामिल रहेगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करें। बुर्ज सौर टॉरस, आप लोगों का आज के दिन दूसरे अफराद की राय को अहमियत देने का दिन है क्योंकि दूसरे अफराद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवाराना इकदामात भी करते हुए नजर आएंगे और उनकी तरफ से आपको माली मावनत भी मिल सकती है। जेमिनी बर्ज जौसा, आप लोगों का आज का दिन कुछ सफ़र के हवाले से नित नए तजर्बात का दिन है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप किसी ख़ास मकासद के तहत सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से पहले हसब तौफीक सदका आपने आज के दिन किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का दे के फिर सदका कर रहे हैं। कैंसेरियन बर्ज सरतान, आप लोगों को आज के दिन अपनी मुस्तकिल मिजाजी की तरफ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि तबीयत में बिला वजह की गैर मुस्तकिल मिजाज या आपकी चीज़ों में इल्तवा के शिकार का बायस बन सकती है। लियो बुर्ज असद, आप लोगों को आज के दिन दूसरे अफराद के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना, अपनी ज़ात के ऊपर खुद एतमाद रहना है क्योंकि आज के दिन दूसरे अफराद के ऊपर इन्हिसार अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बिला वजह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वर्गो बुर्ज शुमला, आप लोगों को आज के दिन थोड़ा सा अपने ख्यालात को समेटने की कोशिश करें क्योंकि आज के दिन आपके ख्यालात में जितनी ज़्यादा पुख्तगी और पुरएतमादी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका आज का दिन खूबसूरत बन जाएगा। आज के दिन के हवाले से बहुत ज़्यादा अपने ख्यालात की अकासी
نہیں کیجئے گا دوسرے افراد کے اوپر، کیونکہ دوسرے افراد اس چیز سے قاصر نظر آتے ہیں کہ وہ آپ کی کسی بھی طور کے اوپر فیلنگز کو سمجھ سکیں۔ لیبرا برج میزان، آج کے دن کے حوالے سے دوسرے افراد کے ساتھ میل ملاقات، اور نہ صرف میل ملاقات بلکہ ان کے ساتھ مل کے کی گئی انویسٹمنٹ جو ہیں، ان سے مالی فوائد آپ کو آج کے دن انشاءاللہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسکارپیو برج اکرم، آج کے دن کے حوالے سے جو خاص احتیاط آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے وہ ہے اپنے الفاظ کی خوبصورتی کے اوپر نگاہ رکھنا، کیونکہ آج کے دن تھوڑی سی جذباتی کیفیت آپ کے اوپر حاوی رہے گی اور یہی وجہ ہے کہ بلا وجہ کی بات طول پکڑ سکتی ہے، تو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا۔ سیجیٹیرین برج اکاس، آپ لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے مذہب روحانیت کو کافی حد تک انشاءاللہ اہمیت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ممکنہ طور کے اوپر آپ فلاحی کاموں میں اپنی توجہ جو ہے اس کو مبذول کر سکیں گے۔ کیپریکانینز برج جدی، آپ لوگوں کا آج کا دن اپنے کیریئر کو لے کے کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورتی کا دن ہے، کیونکہ کیریئر میں آگے بڑھنے کے نہ صرف مواقع ملتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ دوسرے افراد کی نگاہ میں آپ کی عزت بھی بڑھ سکے گی۔ ایکویرینز برج دلو، آپ لوگوں کو آج کے دن اپنے آپ کو تھوڑا سا خود اعتماد کرنا ہے، اور اگر کوئی فرد آپ کی زندگی سے نکل جائے تو اس حوالے سے آپ نے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ دوسرے افراد آپ کے لیے بلا وجہ کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زندگی سے آج کچھ ایسے ہی لوگ نکلیں گے جو کہ مستقبل میں جا کے آپ کے لیے پریشانیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ پائسس برج ہوت، آج کے دن کے حوالے سے آپ کے لٹیگیشنز کے جو امور ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس رہیے گا، کیونکہ آج بلا وجہ کی پرابلمز آپ کی انشورنس کلیم، لٹیگیشنز یا وراثتی امور کی وجہ سے رہتی ہوئی نظر آئے گی، تو انہیریٹڈ سے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آپ کو احتیاط کے ساتھ آج کا دن گزارنا ہے۔ آج کے دن کے حالات کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے گفتگو کی، اس کے لیے مزید ایسے تمام احباب جو کہ اپنے کسی نہ کسی دور کے اوپر پرسنل مسئلے میں مبتلا ہیں، آپ لوگ اپنی کوئی نجی زندگی کے حوالے سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے اسی موبائل نمبر کے اوپر جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پرسنل اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ لاہور میں، کراچی میں، یا ایون اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ میرے اسی موبائل نمبر کے اوپر واٹس ایپ کے تھرو مجھے کانٹیکٹ کر سکیں گے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔